Oh,
Sazimana, 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 Sazimana,
गुरु जी अभी बोले थे सुबह के काका जी बहुत क्लेवर थे, फिर तुम्हारा बोला काका जी बहुत क्लेवर थे, तो मैंने कहा कि मैं तो काका जी को देखा नहीं है, लेकिन काका जी तो क्लेवर थे, अभी गुरु जी इतने क्लेवर है ये मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो दूर की बातें हैं। तो एक सवाल पूछ के आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि भगवान ने मानव को एक ऐसा गिफ्ट दिया है, भेंट दी है, जो किसी भी और को नहीं दिया है, हाथ खड़ा करके जल्दी से बताएंगे। वज्राज जी बुद्धि, बुद्धि क्या गाय भैंस को नहीं है क्या? बुद्धि कम है और उसको बिल्कुल नहीं है, हमको ही है खाली, और बहनों को थोड़ी ज्यादा दी है। कोई जानवर हंस नहीं सकता है, मुस्कुरा नहीं सकता है, और भगवान ने एक ऐसा गिफ्ट दिया उसका इस्तेमाल नहीं करे तो भगवान की तो गलती नहीं है। तो सबसे पहले प्लीज स्माइल, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत नहीं है, हंसने की जरूरत अगर पड़े तो नासा साहब को देख लो, वो हमेशा हंसते रहते भी जो। एक बार फिर ताली बजाएंगे और ताली इतनी बजाएंगे जितनी मेरी ताली है। अभी ये प्राणायाम की जो क्रिया है आप नोट करिए, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है और हमारे स्वामीनारायण भगवान के जो देन है उसको शामिल करके उसको उच्च कोटि का फायदा उठाया जा रहा है। ये कहीं भी नहीं होता है, खाली यहीं पे इस मंदिर में हो रहा है। प्लीज इसको सीखिए और आगे बांटिए, इसके मुकाबले की कोई और चीज़ नहीं है। ये हमारे गुरु लोगों की साहब जी की देन है जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, और स्वामी रामदेव जी तो इसके ऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले हम बोले ओम, और जब माँ आता है माँ के बाद स्वामीनारायण 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 बोलना, तब पूरा फायदा होगा प्राणायाम का, नहीं तो फिजिकल ट्रेनिंग पीटी करते ना फौज में हो जाएगी। लंबा सांस लीजिए, सभी अडॉप्ट करिए। ज्ञान मुद्रा का मतलब कलमे वाली उंगली और अंगूठे को मिलाइए, यही योग है, अहम ये है और ये है ब्रह्मा, अहम इन ब्रह्मा। महाबंध इसलिए लगाते हैं, किसलिए लगाते हैं पहले बताया, ये जो पांच प्राणायाम करते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, पूरे एनर्जी सेंटर्स जो काका जी महाराज ने अपनी किताब में लिखा है द एसेंस ऑफ रियल योग, उसमें ये जो चक्र है यहाँ से लेकर टेलबोन तक उसकी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एक्टिवेट हो जाते हैं इसकी एनर्जी बहुत फैलती है, आप देखना अभी शरीर में गर्मी लगने लगेगा अंदर एनर्जी, तो इस एनर्जी को ऐसे बंद करने के लिए प्राणायाम लगाया जाता है। पहले तीन करेंगे, पहला प्राणायाम कौन सा है, पहला प्राणायाम कौन सा है, नाम तो बोलो। भस्त्रिका, भस्त्रिका में क्या करना है, स्माइल करते हुए, और इसमें चश्मे का जरूरत नहीं, चश्मा तो निकाल दो धीरे धीरे निकाल देना, क्या करना है, गवर्नमेंट ने इशू किया भगवान का थोड़ी है। चलिए रफल मसाज दीजिए आप बंद करके, मैं देख रहा हूँ मेरी स्टैंडर्ड का कौन कौन पहुंचा, आँख बंद कर भैया, आँख खोल, कान से सुनो, आँख से सुनता नहीं होता किसी को। चलिए और स्माइल कहाँ है, मुफ्त की स्माइल, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, बट मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ये स्माइल की टॉनिक लेते हैं, मुस्कुराहट।
स्वामी नारायण नारायण 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 स्वामी नारायण ऐसे ऐसे घुमाइए और थोड़ा ऐसे अपने कमर को भी सीधा कर लीजिए, अगर स्टिफनेस आ जाती है शरीर के अंदर कहीं भी कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको बैठने में ऐसे तकलीफ है तो कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जगह में बैठिए, लेकिन लेट के और खड़े होके नहीं करना, प्लीज खड़े होके लेट के नहीं करना। और किचन में हलवा बनाते हुए प्राणायाम नहीं करना, ओके। अभी कौन सा प्राणायाम है? कपाल भाति। कपाल क्या होता है? खोपड़ी। ये हुआ। और साथ साथ पेट को ये नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ऐसा करने में कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं करना। ये पत्थर का काम पत्थर को करे, हम क्यों करते हैं या ऊट करते हैं? क्या करना? अंदर फेंकना, अंदर अंदर करिए, ध्यान मुद्रा अडॉप्ट करिए, चेहरे पे मुस्कान, गर्दन को सीधा, मेरी तरफ देखने की जरूरत है, अंदर देखिए, अंतर्मुखी हो जाइए, अंतर्मुखी करिए। चेस्ट को नहीं लाना, पेट को, खाली पेट को। स्वामी नारायण नारायण 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 स्वामी नारायण। और बाएं हाथ की दो उंगलियां इधर लगाइए, लंबा लंबा सांस लेंगे, मेरे पैसे बोलूंगा वैसे करिए, बाएं से लंबा सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए, बाएं से भी झुकाना नहीं है, नाक को भी मोड़ना नहीं है, विश्राम। अभी इसको अभ्यास घर में करेंगे, क्योंकि अभी 20 मिनट तो टोटल मुझे खत्म करना है, लगभग 5 मिनट और है मेरे पास। अभी करेंगे बंद, महाबंद। तीन बंद होते हैं, कौन कौन से? पहला बंद है ठुड्डी को लॉक करना, यह है जालंधर बंद। ज्यादा देर नहीं रोकना, फिर श्वास ले लीजिए, ज्यादा देर रोकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जो खासतौर से ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम वाले उनके लिए सही। लंबा सांस लेके छोड़ दीजिए पूरा, जो स्वामीनारायण का जाप भूल गए उनको दोबारा करेंगे 3-3 दफा। और धन्यवाद करना कि जो पतंजलि ऋषि ने, महर्षि ने ये समय दान दिया है, और सबसे बड़ा जो गुरु जी का आशीर्वाद है, यहाँ पर पहले तो ऐसा नहीं कराया, इस दफा जो गुरु जी ने कराया थोड़े के टाइम पे समय निकाल के, इससे बड़ा पुण्य हम पे कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरु जी बहुत क्लेवर है। क्या बोला? गुरु जी बहुत क्लेवर है, और क्लेवरनेस का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर तो फायदा नहीं होगा। अभी क्या करना है? हमने भावरी में क्या करना, जो नए आदमी है अंगूठों का लगाना, और कलमे वाली उंगली, यहाँ कलमे वाली मतलब इंडेक्स फिंगर को यहाँ, बाकी उंगलियों को ये मिडिल फिंगर आपके गड्ढे में और बाकी नीचे, वो को बंद और गुंजन करना, भवरे की गुंजन। जाप चलते रहेगा इसमें, हाथ नीचे ले आइए, आंख बंद रखेंगे, हाथ नीचे ले आइए। ये पूरे शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन
ग्लैंड होते हैं हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उसका बैलेंस बहुत सुंदर हो जाएगा। मंजन करने के बाद ये मैं बताऊंगा, उसके बाद आगे नहीं खोलेंगे, तीन दफा करने के बाद अपने आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, एक दो मिनट ध्यान में आएंगे, फिर धन्यवाद करते हुए आँख खुलेंगे। ये करना है, नेक्स्ट दो मिनट में खत्म करेंगे, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। लंबा सांस लेके नीचे से महसूस करिए, लंबा सांस लीजिए, फिर से समझिए, जगह में हम जो बैठे हैं, हम लोग सब बिलीवर्स हैं। गुरु जी का ध्यान करते हुए तीन दफा साइलेंट चैंटिंग, साइलेंट चुपचाप स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलेंगे मन में और धन्यवाद करते रहेंगे, पूरा सरेंडर, पूरी शरणागति गुरु जी के चरणों में। आँख बंद करके सिर को झुकाइए, हाथ जोड़े हुए आगे और फिर हाथ को गर्म करके आंखों में ले जाइए और पांच दफा फिर धन्यवाद करिए, धन्यवाद धन्यवाद, अपने आप को खूब आनंद में अवस्था में देखिए, धन्यवाद, जय स्वामी। तीन दफा गिगलिंग भी करेंगे, गिगलिंग इस पे आगे है, गिगलिंग और एक दूसरे की तरफ देखो, अंदर मन मुड़ के देखो।
Thank you.
इनको जानता भी नहीं था। काका जी इनको मोहिते मोहिते करा करें, तब हम 103 में रहते थे और शुरुआत में अकाउंट्स वगैरह का छोटा मोटा काम, तो कहते मोहिते को कह देना है, मोहिते को कह देना है। मैं विचार करूं कि मोहिते मतलब बॉम्बे में महाराष्ट्रियन अटक होती है सरनेम, मैं कोई महाराष्ट्रियन होगा बॉम्बे से कहीं काका जी की पहचान होगी करके। और उस समय अपने यहाँ घर गाते थे एक बराबर, उसका मंदिर के साथ खूब अटैचमेंट। तो मुझे ऐसा है कि ये डेली आता हुआ मंदिर में वो घर संभाले वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे मोहित भाई का कोई परिचय भी नहीं। पर हमें काका जी कुछ करते हैं तो फिर उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना होता है, तो फिर मोहित भाई को दिया। अब मुझे पता लगा काका जी ने मोहित भाई को कहा था कि देखो लाइफ टाइम तुम्हें योगी डिवाइन सोसाइटी का अकाउंट्स को संभालना है, तो वो बात को आज भी मोहित भाई लेके बैठे हुए हैं। हाँ, अब इससे आगे तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मोहित भाई का इंट्रोडक्शन, ये जैसे मैंने नंदा जी और काका जी की बात करी थी कि शास्त्री जी महाराज ने नंदा जी को कहा था कि दादू भाई का पक्ष रखना, वो मैंने कल या परसों वो बात करी। इस तरह काका जी को भी शास्त्री महाराज ने कहा था कि नंदा जी ना बधा काम में भड़वू, तो ये मोहित भाई भी साक्षी है कि कैसे भी प्लान नंदा जी लेके आए जो अपने को भी ऐसा लगे कि अभी इसमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, लेकिन काका जी ने अनरिजर्वेडली उसमें पार्टिसिपेट करा।
खाली एक ही बात कि भाई हमें तो शास्त्री महाराज ने कहा हुआ है, ऐसा ये मोहित भाई ने रखा हुआ है आज तक अपने अकाउंट्स। ये मोहित भाई होने के कारण मुझे कभी वो तो जो भी पेपर लाए साइन कर देनी है, मैं विचार ही नहीं करना है। चलो आज सभा हकड़े ठट, काठियावाड़ बोलते ना हकड़े ठट। सम्माननीय मोहित भाई और उपस्थित सभी गुणातीत समाज के भाई और बहनों को आज के इस महामंगलकारी दिन के प्रणाम सहित जय स्वामीनारायण। आज हमारे जीवन के प्राण पुरुष परम पूज्य काका जी महाराज का प्रागट्य दिन और अपने मंदिर की जपयज्ञ शिविर की पूर्णाहुति। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भजे भजन की इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी, लेकिन हम सब का तो नया ही जन्म हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति किसी संकट से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि आज मेरा नया जन्मदिन हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि हम जितने यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने इस भजन की शिविर में नियमित हाजिरी लगाई होगी उसका आज से तो नया जन्म हो ही गया होगा, कि उसको जो प्रेरणा मिली है, उसको जो शक्ति मिली है वो इस जपयज्ञ की पूर्णा होती है। देखो काका जी की परावाणी में हमने सुना, काका जी भी हमें ये प्राणवायु की प्राणायाम की क्रिया सालों पहले बता के गए, लेकिन उस समय हमारी नादानी कहो, बचपना कहो या जरूरत नहीं है ये समझ के भी हमने उसको इग्नोर किया कि भाई काका जी कुछ कराते हैं समझ में नहीं आता है, करो। लेकिन आज जब प्रभाकर भाई, वालिया साहब, मोतीलाल जी और आस्था चैनल के ऊपर या और कोई चैनल पे हम स्वामी रामदेव जी को देखते हैं, हम कर नहीं पाते थे लेकिन अच्छा लगता था। देखो काका जी की वो बात ब्रह्मांड में घूमते घूमते घूमते, फिर वो वालिया साहब की प्रार्थना कहो, गुरु जी की हम सबकी कोई विशेष फेवर कहो, वो अभी शुरू हुई। तो सबसे पहले तो धन्यवाद गुरुजी को कि हम सबकी तबीयत का ध्यान रख के गुरुजी ने ये जो आयोजन 15 दिन 20 दिन का प्राणायाम का रखा, उसके लिए हम सभी परम पूज्य गुरुजी के तो ऋणी है ही है। साथ में वालिया साहब जैसे हमारे आदरणीय इतनी बड़ी उम्र में होते हुए भी नोएडा से यहाँ आकर के भक्तों के साथ आनंद करा के जो हमें एक नया जीवन दिया है, उसलिए हम सब वालिया साहब, प्रभाकर भाई और मोतीलाल जी के भी ऋणी हैं। तो ये जो प्राणायाम की क्रिया हमें सिखाई गई असल में तो काका जी की ही देन है, लेकिन उसको हम अब से लागू करें इसलिए मैं नया जन्म कहता हूँ। तो गुरु जी के चरणों में आज ये प्रार्थना। गुरु जी ने मोहित भाई का परिचय कराया, वास्तव में मैं भी मोहित भाई के साथ 10-15 साल से परिचय में हूँ। प्रत्येक गुजराती के लिए उनके दिल में एक फेवर का स्थान है, मेरा अनुभव है। वो यहाँ बैठे हैं इसलिए कोई बटरिंग करने का महत्व मैं नहीं देता, लेकिन जब भी उनके पास कोई मदद के लिए गया होगा उसके जो फेवर में होगा वो उन्होंने उसको हमेशा करके दिया है। तो आज महाराज के चरणों में गुरु जी ने तो उनको विजय दिन का आशीर्वाद का हार भी पहना दिया। तो हमारी सबकी तो खूब शुभकामनाएं हैं कि मोहित भाई आप जैसे समाज के आगवे स्थान में विराजमान हैं, हर एक गुजराती के आप परिचय में आए हो, ऐसे हमारे मंदिर के भी हर भक्तों के साथ आपकी जो आत्मीयता बनी है वो सदैव बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना भी गुरु जी के चरणों में उनकी तरफ से मैं करता हूँ। दूसरा,
आज काका जी का जन्मदिन है, मेरा तो एक ही मानना है कि इसके अगेंस्ट, इसके बदले में हम एक ही चीज़ गुरुजी को देने का संकल्प करें। गुरुजी हमसे और कोई उम्मीद नहीं करते हैं, एक ही उम्मीद करते हैं कि हम सच्चे मन से गुरुजी की हर क्रिया में उन्हें साथ देते रहे। इतनी प्रार्थना गुरु के चरणों में मैं करता हूं सहजानंद स्वामी महाराज की। पूज्य मोहित भाई भी आज यहाँ विराजमान हैं, तो मेरी उनसे नम्र प्रार्थना कि वे भी हमें अपना लाभ आज की इस सभा में दें। पूज्य मेरे आदर्श काका जी महाराज की जय। आज मेरे को प्रथम बार गुरुजी ने आदेश किया कि आपको आना है और इस सभा में हमारे भक्तजनों को मिलना है, साथ ही साथ उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। मैं यहाँ आ पाया या ना आ पाया, जो वंदनीय है, जो मेरे पूजनीय है गुरुजी हैं, उन्होंने जो आत्मीयता मुझे दी है और जो काका जी ने आत्मीयता मुझे दी थी, वो मैं कदापि अपने जीवन में भूल नहीं सकता हूँ। मैं आपको अपना परिचय दूँ, उससे पहले मेरी सबसे पहले मुलाकात पूज्य काका जी से 103 अशोक विहार फेज 3 में हुई थी। तब मैं शायद CA बन के ही निकला हुआ था, मुझे नहीं पता था, पर जब मैंने उनका संपर्क में आया, उनसे बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति एक बहुत महान व्यक्ति है। मेरे को बहुत ज़्यादा उस समय इस धर्म की इस बाबत में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उन्होंने मुझे जब पहली बार मुलाकात की, तब कुरुक्षेत्र का आयुर्वेदिक का काम से मेरी शुरुआत हुई है, योगी डिवाइन सोसाइटी बाद में, और उसके बाद महिला वर्ग और सब वर्ग का काम मैंने संभाला, पर सबसे पहले आयुर्वेदिक का काम उन्होंने मुझे सौंपा। मैंने उनके काम को, जैसे गुरुजी ने कहा, वो मुझे मोहिते, मेरा नाम मोहित ए पारेख था, पर उन्होंने हमेशा मुझे मोहिते कह के ही पुकारा है। ये उनकी मेरे प्रति जो भावना थी वो दर्शाती है। और सबसे बड़ी खास बात मुझे ये लगी कि उनका आशीर्वाद या उनका किसी के प्रति नम दृष्टि आ जाए तो उस व्यक्ति का कल्याण इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान के वो समर्थ, भगवान के स्वरूप रूप में उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को इस धर्म और इस मानव सेवा में लगा दिया है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आज तक आया है, उसका कभी भी कोई तकलीफ उसको कभी भी नहीं आई है, और आई है तो वो तकलीफ बिना ज़्यादा तकलीफ दिए या बिना किसी मेहनत के वो तकलीफ चली गई है, ये मेरा मानना है। आज गुरुजी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने मुझे कह के गए हैं कि जीवन पर्यंत तुमने योगी डिवाइन और योगी डिवाइन के समस्त परिवार के कोई भी व्यक्ति हो, उनका काम आपने करना है और इसके लिए आप बंधे हो। जो मैंने उनको अपनी जुबान में कहा था कि मैं मरते दम तक इस सोसाइटी के काम का जो भी मैं कर सकता हूँ पूरा करूँगा और कर रहा हूँ, जिसका श्रेय आज सबसे बड़ा कि गुरुजी ने उस व्यक्ति के वाक्यों को, आदेश को, मेरे ऊपर ऐसा भरोसा किया है कि बात सही है कि मैं कोई भी कागज, मैं प्रोफेशनल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ,
पर कभी भी कोई कागज़ भेजता हूँ मेरे ख्याल से वो पढ़ते भी नहीं है और आँख बंद करके, इससे बड़ा मुझे और क्या आशीर्वाद चाहिए दुनिया में, और इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। जो उनका ये प्रेम और वात्सल्य मुझे मिला है उसके लिए मैं हमेशा उनका कृतज्ञ रहूँगा और आज उनको सत सत प्रणाम करता हूँ कि उनके इस प्रेम के कारण मैं, उनका कभी भी आदेश होगा, कभी भी कोई बात होगी, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा करूँगा। आज आप भक्तजनों के सामने मैं आया हूँ, गुरुजी की मेरे पे असीम कृपा रही है और काका जी की कृपा तो मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जब मैं उनके संपर्क में आया तो ना मैं उनको जानता था ना मुझे जानते थे। आज मैं एक बात बता दूं कि काका जी पहली बार में व्यक्ति को पहचान लेते थे, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझ में क्या देखा। मैं 79 में सीए हुआ हूं और शायद मेरे ख्याल से 82 या 83 में उनसे पहली मुलाकात मेरी यहां दिल्ली में हुई थी और तब से लेके आज करीब करीब आप समझ सकते हैं कि 22 साल का ये बहुत लंबा अवसर मैं नहीं आ पाता हूँ कुछ अपने कारणों से। मेरी श्रद्धा होती है, मेरे आने का बहुत होता है, पर मैं प्रोफेशनली रात को बहुत लेट पहुँचता हूँ अपने कार्यों में। आप जानते हो कि कोई भी एडवोकेट और सीए का काम है वो दुकान बंद होने के बाद चालू होती है हमारी दुकान और रात को मिडनाइट में जाके बंद होती है। पर इनका आशीर्वाद और मेरी यहाँ के प्रति जो भावना है वो हमेशा अडग है और रहेगी। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे जो बुला के और जो मुझे को एक अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करने का जो मौका दिया है, मैं गुरुजी के साथ साथ आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय स्वामी नारायण। अब हम परम पूज्य काका जी महाराज की परावाणी आशीर्वाद। आज काका जी की जयंती, हम सोच रहे थे आज प्रसाद क्या करें। काका जी की जयंती पे अक्सर आम का रस का प्रसाद होता है, पर मुझे ऐसा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन आनंदी दीदी ने कहा कि नहीं गुरुजी स्टैंडर्ड कर दो कि काका जी की जयंती पे आम का रस का प्रसाद। इसके साथ हमारी स्मृतियां जुड़ी हुई है। एक बार काका जी की जयंती पे यह सत्यवती कॉलोनी के अंदर आम के रस का प्रसाद था, हमने करीब 200-250 जनों का आम का रस बनवाया था और वहाँ गैदरिंग हो गया। आर्य समाज जो मंदिर है उसके पास वहाँ गैदरिंग हो गया करीब 450-450 डबल। तो मैंने काका जी को कहा कि काका जी, तो काका जी कहते हैं कि कहाँ आम का रस रखा है, फिर वहाँ गए धुन कर ही दिया करवाया और कहते अब इसमें से देते जाना। फिर भी मुझे चिंता रहती थी कि ख़त्म हो जाएगा ये हो जाएगा, तो काका जी बोले भी थे कि लाद जाएगी तो लक्ष्मी जी की जाएगी, तू क्यों चिंता करता है, मेरी जाएगी। तो ये अपनी किसी की लाद जावे नहीं, उसका ये प्रसाद है आम का रस का। तो आज सबको आम का रस ज़रूर खाना, लेकिन यहाँ है ना तुम पंजाबियों को पता नहीं होता है, फिर कहते हो ठीक नहीं है ठीक नहीं है ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं है पसंद नहीं है। आम के रस के अंदर कटोरी में आप लो तो अंदर चुटकी भर नमक, चुटकी भर सौंठ, चुटकी भर पीसा हुआ जीरा और एक चम्मच घी, और फिर टेस्ट करना बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कई बात आप लोग सुनते नहीं हो, देखो मैंने कितनी बार कहा था कि फ्रूट सलाद के अंदर चुटकी भर थोड़ा सा नमक डालो बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन सब हंसते हैं कि गुरुजी अपना बिगाड़ देते हैं। हमारा डैड को पूछो, खुश हो गया वो, कहते हैं कि गुरुजी सच्चा टेस्ट तो इसमें है। तो अब आम का रस कैसे खाना पता लगा, कटोरे में आम का रस लेके चुटकी भर नमक। हमारे गुजराती लोग एक्सपर्ट है टेस्ट के अंदर, ये पंजाबी लोग कुछ समझते ही नहीं, पकौड़े और पराठे पराठे। इस चांद साहब ने कितना टाइम हो गया खिलाया नहीं है, आप आते नहीं और ऊपर से साहूकारी करते हो क्या। तो चुटकी भर नमक, चुटकी भर सौंठ और
चुटकी भर जीरा और घी एक चम्मच भर के, हाँ कोई कसर नहीं छोड़ना, और प्योर घी, हाँ तुम्हारा वो डालडा मिक्स नहीं करा है, थोड़ा शायद कर दिया हो तो चला लेना, तो मेरे ख्याल से नहीं कराए, हमारा सूरत स्वामी ऐसा नहीं है। हाँ चलो काका जी की कैसे आशीर्वाद सुन। हाँ बोलो काका जी की क्लेवरनेस की बात आप बताने वाले थे। हाँ मैं आता है बीच में तो करता हूँ। काका जी बड़े होशियार थे, हाँ इनको मुझे दिल्ली में सेट करना था, पर मेरा कैसा है कि आप सब जानते हो कि गर्मी में मुझे पसंद भी नहीं, टॉलरेट भी नहीं होती, और मैं अवॉइड करूँगा। तो 1969 से राइट अप टू 1976-74 वो मुझे हमेशा अक्टूबर और फेब्रुआरी तक दिल्ली बुलाते रहे, अक्टूबर और फेब्रुआरी आप जानते हो वो मज़ेदार सीज़न ठंडा, हाँ ताकि मुझे वो गर्मी का ख्याल ही ना पड़े। फिर 8-10 साल के बाद जब इनको ख्याल आया कि अब ये वहाँ घिर गया, हाँ अब वहाँ के भगतों की मोहब्बत में वो फंसा हुआ है, अब नहीं निकलेगा, उसके बाद इन्होंने गर्मी में भेजना शुरू करा। तब तक मैं वो दुर्योधन जैसा हो गया था कि इतना दूर चला गया हूँ कि वापस आ नहीं सकता, हाँ और इस तरह देखो मुझे यहाँ घेर के अब मई जून जुलाई में आराम से मैं रहता हूँ, लेकिन तुम लोगों की कूलनेस मिलती है ना उसके कारण है। देखो काका जी उसे पहले से अगर एक बार भी मुझे मई और जून में भेजा होता ना तो मैं काका जी को कहता कि अब आप दूसरा किसी को कैंडिडेट ढूंढो, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। हाँ लेकिन फिर नहीं तो मुझे तुम लोग कहाँ से मिलते, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती, फिर हरिप्रसाद स्वामी जी को और कोई साधु को भेजना पड़ता। माया से, मोह से, और वो स्वतंत्र होके उसका अभिमान भी नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का बड़ा मुश्किल है। करोड़पति होके बोले वो भिखारी और नहीं लगे, वो कोई बड़ी आध्यात्मिक भूमिका है, ये संत की कृपा से होगा। भगवान की कृपा तो है तो इधर मिला है अपन लोग है जरूर, लेकिन इससे चलेगा नहीं। अभी संत की कृपा प्राप्त करनी है और पीछे भगवत कृपा, तीन चीज है तो आपका गुरुपाद पक्का होगा। चरण में शीशना काका जी ने जो अपने शास्त्रों की या परोक्ष की भक्ति का भी जो रहस्य है वो बताया, वैष्णव में कहीं श्री कृष्णाय नमः बोलते हैं अकेले कृष्ण, कहीं राधे कृष्ण नमः राधे कृष्णाय नमः कहते हैं, कहीं गोपीजन वल्लभाय नमः कहते हैं। हाँ मानो थर्ड स्टेप बता दिया, भगवान संत और सत्संग, तो प्रगट के अंदर भी ये समझना पड़ेगा भगवान का स्वरूप एकांतिक संत और भगवत, धाम धामी और मुक्त, भगवान संत और सत्संगी, ये काका जी कहना चाहते हैं। कृपा तीन चीज है तो आपका गुरुपाद पक्का होगा। चरण में शीश नामी दीनता उपचारी हे प्रभु। देखो काका जी ये बात कई बार समझा चुके हैं, चरण में शीश नामी दीनता उच्चारी है, इसलिए मंदिरों में जो भी आते हैं एकदम नीचा झुक करके प्रणाम करता है शीश नामी। काका जी कहते हैं वो तो है, लेकिन शीश नामी आना अपना दिमाग छोड़कर, दिमाग वहाँ रखकर। देखो शास्त्रों का ज्ञान ऐसे संतों द्वारा ही पता लगेगा, हम अपने आप में कितनी भागवत की कथा, रामायण, महाभारत, हमारा वचनामृत, स्वामी की बातें कितना भी पढ़ेंगे हम अपने लेवल से अपने ढंग से ही उसके अर्थ निकालेंगे। कई चीज़ें समझने लायक होती है, हमारे योगी महाराज बात करते थे कि शास्त्रों में एक ज्ञान जो भरा हुआ है वो समुंदर जैसा है, समुंदर के पानी जैसा, मतलब इतना अगाध है, कितना पानी खूब,
लेकिन वो अगर एक घूंट भी पीने जाएंगे तो वॉमिट हो जाएंगे। समुद्र का पानी डायरेक्ट एक ग्लास एक घूंट भी पिएंगे पी नहीं पाएंगे, वॉमिट हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब कि शास्त्र में जो ज्ञान है समुद्र जितना अनंत है, साथ साथ ये भी है कि डायरेक्ट नहीं पिया पाएंगे। वही समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से सब्लाइम हो जाए और फिर बारिश होकर नीचे फिर गिरे, वो पिया जाता है। इसी तरह शास्त्र का ज्ञान ऐसे संत द्वारा फिर हम लेवे, वो पैलेटेबल रहेगा। वरना हम गुजराती में कहते हैं ना, औरनू चोर करता रही से, इसको हिंदी में क्या कहता है पता नहीं, क्योंकि हिंदी वाले औरना चोर का ही समझता ही नहीं, सब सीधा कर देना समझता है। तो देखो एक सीधी साधी बात करता हूँ, अपने यहाँ कहा हुआ है सूर्य नमस्कार करो, तो सब सूर्य को नमस्कार करते हैं। मेरी कोई सूर्य देव प्रति आस्था नहीं है या कोई प्रेजुडिस है, ऐसा नहीं, लेकिन शास्त्र में जो सूर्य नमस्कार कहा वो अलग है। अगर यही बात होती तो नॉर्वे और स्वीडन में कैसे रोज सूर्य नमस्कार करोगे, जहाँ 6 महीने के बाद सूर्य उगता है, 6 महीने तक बैठे ही रहोगे सूर्य नमस्कार नहीं करोगे। मतलब कहने का मकसद वो था कि सूर्य समान संत को नमस्कार करो, जिसको कोई उसको तो तुम रोज नमस्कार कर सकते हो। तो देखो ये चीज़ें खूब हम समझें। या अभी ये भजन गा रहा तब मुझे फिर याद आया, पहले भी मैंने बात करी थी कि दिखा है ना समदर्शी है नाम त्योहारो, हाँ, लेकिन हमारे योगी जी महाराज ने बताया कि भगवान समदर्शी नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटी देने के लिए समदर्शी है, चाहे गरीब हो तवंगर हो, स्त्री हो पुरुष हो, पढ़ा हुआ हो अनपढ़ हो, बड़ा हो छोटा हो, स्त्री हो पुरुष हो, उनमें किसी के लिए अपॉर्चुनिटी मौका देने में कि ये भगवान बच सकता है, ये भगवान के रास्ते पे नहीं चल सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो चांस हर एक के लिए, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे प्रभु को उनके भक्तों का है। हाँ, अब आप कहोगे कैसे, देखो गीता हम सब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भगत का नाश नहीं होगा। जहाँ उसने कह दिया कि मेरा यानी कोई पराया है ना, थोड़ा तर्क लगावे दिमाग लगावे तो लगे कि देखो भगवान ने भी कला करी है, मेरा कह दिया मतलब पराया है उसको, अगर तो फिर हम उनके रहेंगे तो हमारा नाश कभी नहीं होने देंगे, हमारी लाज वो कभी जाने नहीं देंगे। एन मौके पे भी जिस पल हम द्रौपदी की तरह हे कृष्ण कर देंगे ना, उसी पल काम हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कल बात करी, हम भगवान को समझते हैं, हम बोलते हैं सभी जानी जान हो, सब कुछ त्वारा है, ये है वो है, पाड़ा है पुछड़ा है, मानते हैं प्रभु को स्टिपनी, जब गाड़ी पंचर हो जावे तब याद करते हैं स्टिपनी को। स्टिपनी को थ्रू आउट द जर्नी हम याद करते हैं नहीं याद करते, गाड़ी पंचर हो स्टिपनी लिए ना, तब एकदम पूछेंगे स्टिपनी है ना, पंचर करी हुई ना, इसलिए हमने तो बाहर बोर्ड लगवा दिया है, क्या यहाँ पंचर किया जाता है, अभी तो हमारा काम ऐसा है पंचर लगाना है तो यहाँ आओ। वो सबसे बड़ी सोशल सर्विस है। असल में क्या, आज समाज सेवा की जो बात करते हैं, देखो मैं अरविंद का एक बात करता हूँ, श्री अरविंदो गांधी जी विनोबा वगैरह सब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लगे हुए थे, सडनली श्री अरविंदो पौंडीचेरी जाके बैठ गए, तो गांधी जी वगैरह ने कागज लिखा पाए अरविंदो को कि देश को इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आपकी खूब ज़रूरत है, यू आर डेडली नीडेड इनएविटेबल, और आप ये करके वहाँ बैठ गए, ये काम बाद में करना, हाँ आप हमारे साथ फिर वापस आ जाओ। श्री अरविंदो ने इतना वो जवाब, जब मैंने ये किताब पढ़ी थी मेरे दिमाग में ये फिट बैठ गया ना, कि पहले सबसे पहले ये काम कर लेने जय साहब, उसके बाद समाज सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होती रहेगी। योर एवरी एक्शन योर एवरी जेस्चर विल बी ए सोशल सर्विस।
तुम किसी का खाना खाओ वो भी एक सोशल, आज रस खाओगे भी समाज सेवा हो जाएगी। देखो ये बात कई अजीब और गरीब बात है। तो श्री अरविंदो ने कहलवाया कि महात्मा जी मुझे एक विचार आया कि हमें देश की सेवा करनी है, ना नहीं है, लेकिन अपूर्ण व्यक्ति अपूर्ण समाज की क्या सेवा करेगा। इसलिए मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं पूर्णता को पा लूँ, फिर मेरी हर एक्शन समाज की सेवा बनती रहेगी। ये अगर मोहित भाई को थोड़ा ख्याल पड़ता हो तो काका जी का सारा जेस्चर, सारा क्रियाकलाप इसी दिशा में था। हाँ, इन्होंने कभी ये जो आम तौर पे समाज सेवा बोली जाती है उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। नंदा जी की फार्मेसी भी कोई समाज को अच्छी दवाई देने के लिए नहीं, नंदा जी को सपोर्ट करने के लिए थी। अब बाकी अपना काम तो हम समाज सेवा करें नहीं करें वो तो काका जी को जो करना है ना वो कर ही देंगे। एक संकल्प करो, भूमंडल के अंदर डालो, वो काम कहीं से चक्कर में आके, और ये स्टैंप इसका सबूत है। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जानते हो स्टैंप काका जी की निकालनी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन के कोई पॉइंट के अंदर नहीं आता, कोई पॉइंट में नहीं आएंगे। जब हमें गुजरात में खबर आपी ना कि काका जी की, तो कि काका जी की स्टैंप कैसे निकल सकती है, सब जानते हैं कि एक तो रिलीजियस मास्टर आमतौर पे जो गवर्नमेंट कभी रिकग्नाइज ही नहीं करें, लेकिन वो काम हुआ। हाँ, तो वो रेती में जहाज चलाने वाले काका जी, तो अपने लिए तो वो कुछ भी करके अपना सारा सेट कर ही देंगे। कैसे करेंगे, लिव इट ऑन हिम। बात पक्का होगा, चरण में शीश नामी, तो चरण में बुद्धि छोड़नी है। तीन चीज है तो आपका गुरुपाद पक्का होगा, चरण में शीश नामी, दीनता उपचार्य। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, मेरे में सब भरा है, काम क्रोध सबसे भरा हूं, लेकिन मैं तेरा हूं सच पक्का। पापी हूं, दुष्ट हूं, अधम हूं, कैसा भी हूं, लेकिन ये बोलते हैं। हाँ, लेकिन प्रभु की महिमा भी समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन अपने आप वो कुछ मान भी लेते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं आपके पास प्रभु जीरो, ये नहीं मानते ना उसकी मुसीबत। देखो अर्जुन और कर्ण का प्रसंग मैंने पहले भी कहा है, फिर से बताता हूँ कि अर्जुन और कर्ण की मुकाबला हुआ तो कर्ण ने बाण मारा, वो अर्जुन का रथ एक गिट्ठी पीछे चला गया और अर्जुन ने बाण मारा तो कर्ण का रथ एक फरलांग पीछे चला गया। अभी देखो अर्जुन कृष्ण के पास जब सहायता लेने गए तब जानता भी था कि जीत पाऊंगा इनके कारण, बाकी कोई ताकत काम नहीं आ सकती। इसलिए मांगा भी कृष्ण को ही, कृष्ण ने कहा मैं शस्त्र वगैरह कुछ नहीं लूंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है, तो कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आपसे, मतलब वो जानता था। लेकिन एक कॉन्शियसनेस अपनी एक ऐसी बुरी चीज है कि हम भी कुछ हैं, वो रह जाता है, नहीं जो कुछ है प्रभु के कारण है वो नहीं रहता। तो जब कर्ण का रथ एक फरलांग पीछे चला गया तो थोड़ी हंसी आ गई, जैसे आप लोग भी कमाल हो, सुबह ये वालिया साहब ने कहा स्माइल तो तब से हा 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 लाफ करने लग गए। तुम्हें स्माइल और लाफिंग में फर्क ही नहीं पता क्या, तुम तो पागलों की तरह हा 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 चालू कर दिया। पर जब मैं समझता हूँ भगवान को जो रास्ते चलते हैं वो पागल ही होते हैं। कल मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई पागल का मतलब, हाँ ये चांद प्रकाश को पता होगा, पागल का मतलब मैड नहीं, जो गल को पा गया वो पागल, गल को मतलब बात को, प्रभु की बात को जो पा गया फिर वो जगत की परवाह नहीं करेगा। इसलिए लोग उसको स्थूल दृष्टि से पागल कहेंगे,
लेकिन वो सच्चा पागल है। कौन, किसने मुझे बताई थी? चौधरी साहब जो या तीन दिन में पागल हो गया ना, हाँ पागल हो गया, गर्ल को पा गया, बराबर वो पागल। इसलिए गुणायतन स्वामी ने वो बात भी लिखी है, हाँ कि जो पागल होता है वही प्रभु के रास्ते पे जाता है, दूसरा तो जाएगा ही नहीं। तो क्या बात चल रही थी अपनी, हाँ कहाँ कर्ण, तो वो थोड़ा स्माइल दिया, स्माइल आ गया उसके, देखा मेरा एक ही गट्ठी गया और इसका एक फरलांग गया। कृष्ण की कर्ण अर्जुन के ऊपर इतना प्रेम कि वो वृत्ति में झूलने नहीं दिया उसने। हाँ तो कृष्ण ने पूछा कि क्यों मुस्काया, हाँ उसने कहा कि प्रभु आपने देखा नहीं, उसने बाण मारा, एक गट्ठी पीछे गया अपना रथ, हाँ और मैंने बाण मारा, एक फरलांग पीछे चला गया। कृष्ण ने कहा अर्जुन त्रिलोकी का बोझ लेके मैं ये रथ पे बैठा हुआ और ऊपर से हनुमान बैठे हैं, तब भी एक गट्ठी पीछे चला गया, अगर हम लोग नहीं होते तो माइलों तक पीछे चला जाता अर्जुन समय। देखो ऐसी हालत हम सबकी है, हम मान बोलते हैं प्रभु सब कुछ आप करते, लेकिन मैं कुछ नहीं, प्रभु आप ही के कारण चल रहा है सब। हम मानते चलता है आशीर्वाद है, लेकिन ये मैंने करा इसलिए हुआ, ये भूल कर ये जो कल के सिनेमा वचराज ने कही नया जन्म, ये हो जावे वो अपना नया जन्म, मैं कुछ नहीं बोलने में नहीं। देखो काका जी की सबसे बड़ी कृपा के इन्होंने हमारी हर चीज़ को खोल खोल के बताई, हाँ कि शोषा का सत्संग नहीं करना, तुम आप करते रहते हो वैसा नहीं करना, हाँ आपके हैं आपके, अरे पहले हम अपने मन के हैं, बुद्धि के हैं, घर वालों के हैं, ये है वो है, खुले मन से कहो कि प्रभु आपका नंबर सातवां है, अब आप दया करो तो टॉप प्रायोरिटी पर हम आए, हाँ और कल जैसे मैंने कहा कि भाई टॉप प्रायोरिटी पे हम प्रभु को रखेंगे तो प्रभु की लिस्ट में भी हमारी टॉप अरे टॉप प्रायोरिटी रहेगी। ये हो जावे वो हमारा जन्म नया, बाकी बोलने में तो जानिया गागा की तरह हम बोला करें उसका कोई अर्थ नहीं। कान क्रोध सबसे भरा हूं लेकिन मैं तेरा हूं सच पक्का, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अधम हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन मेरा प्राण पहला मैं तेरा हूँ, जो पहले मैं तेरा हूँ, ये बस ये अपने को रखना है, वो सच्चा काका जी का। हाँ काका जी के जीवन में हमने देखा कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी जोगी महाराज, हाँ और इसलिए वो इनका जीवन देखा हुआ है तब अपने को ख्याल पड़ता है कि हम कहाँ ठहरे हुए, हम बोलते हैं लेकिन टॉप प्रायोरिटी अपना कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ अंदर पड़ा हुआ होता है। हाँ पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अधम हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन मेरा प्राण पहला मैं तेरा हूँ, तो भगवान सोचेगा, परीक्षा करेगा। एक बात समझना, ये रखेंगे ना हम कैसे भी होंगे एक्सेप्टेबल है प्रभु को, बाकी कितने ही अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, ठाउके होंगे, वो भी अपने साथ ठावका ही करते रहेंगे। हाँ लेकिन मेरा प्राण पहला मैं तेरा हूँ, तो भगवान सोचेगा, परीक्षा करेगा, टेस्ट करेगा कि मेरा बोलता है खाली खाली बनावट करता है मतलबी, क्या सचमुच प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, परीक्षित जैसे, हाँ? और वो इतना जो आप कर सको वही मंगलाचरण की 5 मिनट में बात करेगा, आज का ये फिर पीछे प्रोग्राम पूरा होगा। मेरे शिव प्रसाद जी, कल हमने एक महापूजा रखी है जो ये टेप हमने सुनी नहीं है, अपना ज्ञान भी प्रकट है। हाँ फिर पीछे प्रोग्राम पूरा होगा। मेरे शिव प्रसाद जी, कल हमने एक महापूजा रखी है,
पूजा तो सब करते हो, महापूजा और परम पूजा, पूजा का तीन अर्थ है। सब हिंदुस्तान में घर घर में माता महादेव ग्रंथ साहब सब राम कृष्ण, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिधर गुरु ना हो, मूर्ति ना हो। लेकिन भगवान सुनता नहीं है, वही सच है। कोई दुखिया रहा, दुखिया रहा, आनंद नहीं है। और वो पश्चिम वाले भगवान, ये काका जी के टेप में मोहित भाई अक्सर ऐसा हुआ है कि यहाँ हम जो बात करते हैं, हम कोई अरेंज करके टेप नहीं रखते, ऑर्डर से जो आती है सीरियल नंबर चलती रहती है। लेकिन जो टॉपिक हो और जहाँ अपना मन थोड़ा डाउटिंग बना हुआ हो, डगू मगू, तो वो टैप में वो बात आ ही जाएगी। जैसे कहते हैं ना, भगवान अपने प्रकट, अपना ज्ञान भी प्रकट, टैप रिकॉर्डर भी प्रकट की बात करेंगे। हाँ, आनंद नहीं है। और वो पश्चिम वाले भगवान को तो नहीं मानते हैं, अवतार उधर नहीं प्रकट होता, वो तो हिंदुस्तान में होता है, किच्चड़ में होता है, कमल। लेकिन वो लोग को मालूम नहीं है बेचारे क्या करे, टेक्नोलॉजी है। तो हमारा स्वामीनारायण वाले का एक काम है टेक्नोलॉजी और आपकी श्रद्धा, ये प्रेम और ज्ञान को समन्वय करके कर्मयोग करो, शक्तिशाली बनो। भक्त कभी भीख नहीं मांगेगा, देखो शक्तिशाली बनो, हाँ लाचार नहीं रहे। हाँ, भगत लाचार, जनरली मैं नहीं बताता हूँ कि भगत की व्याख्या है क्या, कंधे पे थैला होवे, फटे फूटे एक आध दो अंदर कपड़े जैसा होवे और गांव गांव भीख मांगता फरे, वो भगत वो नहीं। काका जी कहते हैं भगवान के स्वरूप को पहचाने, मानव स्वरूप में जैसे कृष्ण ने, कृष्ण को अर्जुन ने पहचाना, पहचाना मतलब एक संबंध हुआ, उसका सखा भाव का संबंध था, राधा जी का मधुर भाव का संबंध था, उद्धव जी का दास भाव का संबंध, हर एक अपना अपना। अरे उद्धव जी कहीं राधा की तरह प्रेम नहीं कर सकता, हा? लेकिन फिर उद्धव जी को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि ये सारी गोपियाँ विवली है, हा? गोपियों को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये उद्धव जी खाली ज्ञान की ज्ञानी फाड़ता रहता है, हर एक अपने अंग से चिपके रहेंगे, किसी भी तरह संबंध पक्का होना चाहिए। हाँ, रोम रोम में प्रहलाद ने प्रकट किया, गुरु नानक ने प्रकट किया, मीरा ने प्रकट किया, आप भी कर सको इसके बारे में। देखो एक चीज है, प्रभु का हम भरोसा रखने तैयार हो जाएंगे ना तो वो भरोसा दिलवाएंगे, हाँ? लेकिन हम तैयार भी नहीं होते हैं। ये प्रहलाद की जो बात करते हैं, हाँ? लेकिन प्रहलाद तैयार हुआ ना तो प्रभु ने उसको भरोसा दिलवाया, लेकिन गरम गरम लोहे का खंबा उसको कैसे बात बिड़ेगा, कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन वो तैयार हुआ तो प्रभु ने क्या करा कि खंबे के ऊपर चीटियां जाती हुई उसको नजर आई। जिसने भागवत पढ़ा होगा इसको ये पता होगा, तो पहले भरोसा दिया ना, चीटियां जा रही है तो चिंता नहीं कर मैं बैठा हूँ। तो जैसे काका जी कहते थे ना, वो अंधश्रद्धा भी नहीं रखनी है, लेकिन प्रतीति होने के बाद अटल श्रद्धा, ये अपने काका जी की थियरी है। और ऐसा भगत फिर शक्तिशाली बलवान सामर्थ्य युक्त बन जाता है, वो ऐसा बन जाता है, ऐसा संबंध करने वाला, जितने में राजा का राज इतने में रानी का राज, जितने में नारायण का हुक्म इतने में नर का हुक्म। और इसीलिए अर्जुन आखिर नर नारायण स्वरूप के रूप में आज पूजे भी जाते हैं, नारायण स्वरूप बना दिया ना उसको। हाँ, नानक ने प्रकट किया, मीरा ने प्रकट किया, आप भी कर सको इसके बारे में। मेरा अभी फोर सीटिंग होगा, कल शाम को और परसों पूर्णाहुति होगी, आज इसका मंगलाचरण करेगा। कोई प्रश्न हो, कोई दूसरी चीज हो, 99% लक्ष्मी की बीमारी है, 1% दूसरी बीमारी है, समझ लो 98 समझ लो, 1% देह की होगी। और वो भी लॉटरी लग जाए 10 लाख की तो वो भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बंद हो जाता है, हार्ट अटैक भी बंद हो जाता है, नींद भी आ जाती है।
तो ये सारा पहले महापूजा हमने कल रखा है 8 to 9, 8 to 8 बजे ये धर्मपाल को बोला सबका जितने जितने का कुछ हो उसका नाम लिखा देना, हम संकल्प करेगा आपका वकील बन जाएगा मफत में, पालकी वाला जैसा ही नहीं लेगा आपका, पालकी वाला भी ऐसा नहीं है नहीं, वो हो तो भी मैं एक आपका 2 महापूजा 4 महापूजा 1 महापूजा का 1.25 रुपया 2 रुपया तो ठाकुर जी का प्रसाद और उधर ये स्वामी जी दिल्ली में ये करते हैं, तो ये 2-5 महापूजा लिखा देना। कल चांद प्रकाश आप भी आओ, महापूजा के बाद फ्री चले जाना, स्वामी जी दिल्ली में ये करते हैं, तो ये 2-5 महापूजा लिखा देना, 5 दिन 4 दिन उधर हर रोज हम करते हैं। कल ये संकल्प कराएगा जिसको जिसको कोई तकलीफ हो मुसीबत हो है उसकी अर्जी हम ले लेते हैं, आपका बड़ा वकील बन के मैं खड़ा रहेगा तो भगवान सोचेगा अरे भाई तू मुझे जो शांति हो गई, ये सारी जिम्मेवारी कल काका जी ने ले ली कि जो जो कुछ करना होगा मैं करूँगा, तू निश्चिंत हो जा। आपका बड़ा वकील बन के मैं खड़ा रहेगा तो भगवान सोचेगा अरे भाई तुम आया, चलो छोड़ो सारा एप्लीकेशन ऐसा ही दे देता है, अभी तक तो ऐसा हुआ है। तो इधर हमको मनोहर लाल जी ने मौका दिया, बड़ा खुशी हूँ आनंद है, आपके दुख को वो ही अभिदान की ये बात करेगा। अभी इसके 5-15 मिनट शांति से सुनना, मेरे स्वामी जी 2 श्लोक बोले गए, उत्तम स्वामी जी ये उसका चेला है मनोहर लाल जी, इसने आशीर्वाद दिया है, बड़ा महापूजा किया, उसके बारे में संत को करना चाहिए। और ये आशीर्वाद उत्तम स्वामी ने दिए मनोहर लाल को और फले हमको, देखो ये खड़ा हो जा, ये गुम हो गया था, उत्तम स्वामी ने आशीर्वाद दिया मेरा, आपको पता है सारा इतिहास। हाँ मियाँ तांग तोड़ मियाँ तांग जोड़, कहीं का भजन की लाइन कहीं जोड़ के नया भजन बना देगा वो। उसके बारे में संत को करना चाहिए और 8 to 9:15 तक 9 बजे तक महापूजा होगी, उसकी एक विधि है। पुरुष सूक्त में लिखा है, जैनों में उसको सिद्ध चक्र बोलता है, जब कोई काम नहीं होता है वो महाराष्ट्र में गणेश पूजा बोलता है, उसका आवाहन करता है। तो इसका मूल जो है रहस्य सीक्रेट, अभी वैदिक मंत्र इनफेक्टिव हो गए क्योंकि ब्राह्मण लोग माफ करना इधर जास्ती है, लेकिन वो ब्राह्मणत्व जो था तेज चाणक्य का वो चले गए है थोड़ा थोड़ा। तो ये अपना ये मंत्र इफेक्टिव होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। वो कैसे हो इसका मंगलाचरण आज मैं शुरू करेगा 5-7 मिनट में। उसके पहले स्वामी जी मेरे स्वामीनारायण भगवान के अभिदान 200 साल पहले हुआ, 5 से परमहंस बनाया, उसके आत्यंतिक कल्याण की पीढ़ी चालू है। हम वो पीढ़ी के मैनेजर है, हम डायरेक्टर है, बड़ी अच्छी चलाते हैं प्रेम से कृपा से है। और हम मांगते हैं हर रोज हे प्रभु मेरे को एक 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 छोटा सा भी अभिमान ना आ जाए, सेवक का सेवक बन सकूं है, निमित्त बन सकूं, और वे ही भावना से काम कर रहे। धन्यवाद आपको, और प्रेम से शांति से सुनना, रविवार को 11 बजे पूर्णाहुति होगी 10:30 बजे है, और फिर भी कभी मौका मिलेगा। 17 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र बनाने के लिए एक शिविर है, नंदा जी और सब लोग भी आएगा, इसमें जिसको रस हो वो स्पेशल ट्रेनिंग है, स्पेशल ये प्रारंभ और प्रवेश है। हमारे बॉम्बे में इस्माइलिया कॉलेज है और हम लोग और हमारा स्वामी जी इसका प्रिंसिपल है, और हमारा दूसरा भाई है वो भी सिद्ध है, लेकिन वो जेवियर कॉलेज जैसा 75% मार्क्स ही है, 80% मार्क्स ही है, तब भी एडमिशन मेडिकल में उसमें इंजीनियर में नहीं मिलता।
हमारे वहां तो 5 मार्क्स और भाई एक भी लाओ, मेरी इस्माइलिया कॉलेज है, सर्टिफिकेट भी हमको बनाना पड़ेगा, आपका पेपर भी हमको लिखना पड़ेगा। हाँ खाली लिखने को आया वही बस है। अपना लो तो इससे भी आगे चला गया, नहीं काका जी ने एकदम आगे कर दिया, पेपर भी मत लिखो जाओ। हाँ लिखना पड़ेगा, हाँ खाली लिखने को आया वही बस है, और ये लिखने में आया और वो भी गोपाला 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण लिखा तो भी हम पास करता है। ए वो बुधराम आया कि नहीं, आज आया नहीं? नहीं हाँ नहीं आया, वो अपने पेपर में लिख के आया था स्वामीनारायण स्वामीनारायण, पास हो गया कहता है। कालू कहता है मुझे क्यों नहीं बताया आज तक। स्वामीनारायण स्वामीनारायण लिखा तो भी हम पास करता है और सारा अंधेरे पर ले लेता है। हम बोलता है अरे भाई ये कलयुग में इतना वो आया तो सही। बस इसी जन्म में हम पर भगवान ऐसा अनुग्रह कर दो, आज से जन्म मिला भारत में साथ में इसको कर दो, जो भी बड़े किया युग सारे मुर्ती में ही रह कर दो, तो काल तो दूरे इसका भविष्य छोड़े
फरवरी 1952 विजय दिन कहलाया, ओ विजय दिन कहलाया। ओ, 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 ओ योगी जी ने काका जी को साक्षात्कार कराया, उसका ही है फल। घड़ी बनी रे मंगल, आज उसका ही है फल। हम सब हो गए हैं रे निहाल, काका जी हमें भेंट मिले। योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद, काका जी हमें भेंट मिले। ज्ञान समाधि में काका को दर्शन देव कराया, ओ बापा दर्शन देव कराया। ओ, 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 ओ स्वामी सहजानंद और योगी राज को एक ही पाया, ओ योगी राज को एक पहचान। साधु वेश मिले भगवान, लिया बापा को पहचान साधु वेश मिले भगवान। डंका सर्वोपरि ताका बजाया, काका जी हमें भेंट मिले। योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद, काका जी हमें भेंट मिले। पात्र कुपात्र न देखा तुमने, जात कुजात न मानी, जात कुजात न मानी। ओ प्रेम की अमृत वर्षा कर दी, संबंध की महिमा जानी, संभव बनाने योगी का समाज, मान अपमान में था संभव बनाने योगी का समाज। हो गए उसके लिए ही कुर्बान, काका जी हमें भेंट मिले। योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद, काका जी हमें भेंट मिले। जान पाए, ओ काका अब तो पहचान पाए। ओ सारा गुणातीत समाज चले एक होकर आज, सारा गुणातीत समाज चले एक होकर आज। तेरे संकल्प में बने भागीदार, काका जी हमें भेंट मिले। योगी बापा को करोड़ों धन्यवाद।
काका जी हमें भेंट मिले। सुहृद भाव के राजा हो तुम, निर्दोष बुद्धि के दाता। स्नेहल सिंधु दयालो प्रभो, गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। स्नेहल सिंधु दयालो प्रभो, गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा। जागृत मानस पुत्र जोगिए, अर्प्यु नूर निज अंतर को ही नूर ने। प्रसादी जोगी जी करनी सुपात्र डली, निपंक्ति काव्य संगीत रम्य गुंजी रही। भले हो धन्यवाद स्वामी श्री जी ने, के प्रगटा व्यो दिवे दीवो अवनिये। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा। पुष्प सरखी प्रसर दिव्यता, अंबर श्वेत तदपि विरल साधुता। महाराजा खरा निर्दोष बोधीना, के जल्दी उमटे सौहार्द सेवाना। निराकारे निराधार अंतरे रहे, सुंदरता सरलता सदेह वेचरे। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा। स्नेहल सिंधु दयालो प्रभो, गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो। काका हे अमर
चारों